आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम या सी एन एस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास इसका स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे इसमें पहला पार्ट है ब्रेन ब्रेन इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन के अंदर हमारे पास तीन पार्ट्स है ब्रेन हैज़ थ्री पार्ट्स The first one is forebrain The first one is forebrain Second is midbrain And third one is hindbrain hind brain So brain has three parts forebrain midbrain and hindbrain डायग्राम की मदद से भी फिर हम दिखाएंगे फोर ब्रेन के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ पार्ट्स है फर्स्ट वन इज द फर्स्ट वन इज सेरिब्रम ब्रम सेकेंड वन इज तेलामस द सेकेंड पार्ट इज तेलामस एंड द थर्ड फर्ट पार्ट इज हाइपो तेलामस सो सेरिब्रम थैलेमस हाइपोथैलेमस सिरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज सेब्रम ब्रेन के अंदर जो सबसे बड़ा पार्ट है वो है सेब्रम सेब्रम के अंदर फिर हमारे पास दो पार्ट्स है एक है राइट हैमी स्पेर राइट हैमी स्पेयर दूसरा है लेफ्ट हैमी स्पेयर ये मजीद सिरब्रम में दो पार्ट्स हैं सिरब्रम का काम है मुख्तलिफ काम देती है सिरब्रम हमारे पास थिंकिंग राइटिंग Uh, इसी तरह मुख्तलिफ और फार्स हमारे पास सरब्रम के मुख्तलिफ़ काम है सिरब्रम के अंदर बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं देयर आर बिलियन न्यूरॉन्स इन सरिब्रम सिरब्रम इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन सरिब्रम के अंदर दो मज़ीद पार्ट्स है राइट एंड हेमिस्फीयर सिरब्रम में थिंकिंग राइटिंग लर्निंग ये सारे सेंस सारे मौजूद है फॉर एग्जाम्पल कोई मैथ सॉल्व करता है वो भी सेब्रम की मदद से फॉर एग्जाम्पल कोई साइंस सॉल्व करता है कोई आर्टिस्ट है ये सारे काम कौन किस चीज की मदद से हो सकती है सेब्रम की मदद से द नेक्स्ट पार्ट इज थेलामामस एंड हाइपोथेलामस हाइपोथेलमस इज अ टेम्परेचर कंट्रोल रोम टम्परेचर कंट्रोल रोम टेम्परेचर इज कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ हाइपोतीलॉमस बॉडी का जितना भी टेम्परेचर है वो किस चीज़ की मदद से ही कंट्रोल होता है हाइपोतीलमस की मदद से इसी तरह हमारे पास मिड ब्रेन है मिड ब्रेन इज अन्वे इसके अंदर इंटर न्यूर मौजूद है इंटर न्यूरान वैसे सब में मौजूद है मिड ब्रेन इज अ बॉर्डर लाइन बिटवीन द हाइंड ब्रेन एंड पोर ब्रेन हाइंड ब्रेन के अंदर हमारे पास फिर तीन किस्म के पार्ट्स हैं हाइंड ब्रेन एक है सेम पहला पार्ट है सिरिबेलम सिरबेलम इज द फर्स्ट पार्ट इनसाइड साइड हाइंड ब्रेन सिरिबेलम के बाद फिर है पोंस और पोन्स के साथ साथ नेक्स्ट पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन है मेडोला

किस चीज़ की मदद मतलब से हम करते हैं बॉडी किस चीज़ की मदद मतलब से हमारा बैलेंस है दैट इज़ विद हेल्प ऑफ द मसल्स हमारे पास जो पट्टे हैं मसल्स है वो सारे मसल्स हमें बैलेंस प्रोवाइड करता है विद हेल्प ऑफ बोन्स सो मसल्स और बोन के दर साथ जो कोऑर्डिनेशन में है वो कौन है सरबेलम सेबेलम सर का काम है बॉडी को बैलेंस में रखना अगर सर्वेलम काम छोड़ दे तो फिर आपका बॉडी बैलेंस होगा मेडोला ओब्लेगेंडा और पोंस इनके मुख्तलिफ काम है फॉर एग्जाम्पल आपके पास है रेस्पिरेशन रेस्पिरेटरी सिस्टम कौन कंट्रोल करता है वो मेडोला ओबिगेंडा और पोंस कंट्रोल करते हैं हार्ट बीट मेडोला ओब्लेगेंडा हमें बिल्कुल आ, क्या चीज कंट्रोल करता है हार्ट बीट हार्ट बीट इज कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ मेडोला बेगेंडा इसी तरह थर्स्ट थर्स्ट फॉर एग्जाम्पल थर्स्ट किसी को भूख लगी है प्यास लगी है वो सारा कौन कंट्रोल करता है मेडोला ऑफ्लेगेंडा इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन यहाँ पे हम थोड़ा सा ड्रा करते हैं ये उसका है बिल्कुल फोर ब्रेन मिड में है मिड ब्रेन और यहाँ पे है हाइंड ब्रेन पीछे है फोर ब्रेन मतलब आगे वाला है और इसके बाद फिर स्टार्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड स्पाइनल कॉर्ड तो आज का हमारा टॉपिक था ब्रेन ब्रेन के फास्ट कितने पार्ट्स है फोर ब्रेन थ्री पार्ट्स है फोर ब्रेन मिड ब्रेन एंड हाइड ब्रेन फोर ब्रेन के भी तीन पार्ट्स हैं फर्स्ट वन इज सेब्रम थेलामस हाइपोटेलामस सेब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन जिसके अंदर फिर दो पार्ट्स है राइट हेम लेफ्ट हेमस्पेयर मुख्तलि काम सर अंजाम देते हैं फिर आप लोग बुक में भी देख सकते हो थिंकिंग मैथमेटिकर्निंग आर राइटिंग ये सारा कौन सर अंजाम देता है सिर्फ ब्रम के अंदर थैलामस और हाइपोथैलामस आर सो द पार्ट ऑफ द ब्रेन हाइपोथैलामस इज द टेम्परेचर कंट्रोल रूम फॉर एग्जाम्पल जो हाई टेम्परेचर पर किसी को ज़्यादा बुखार हो जाए बुखार बहुत ज़्यादा होने से फिर सर का जो रग है वो पट जाता है वो कौन सा रग पटता है हाइपोथैलामस सो हाइपोथैलामस टेम्परेचर कंट्रोल करता है इसी तरह मिड ब्रेन है जिसमें इंटर न्यूरॉन्स होते हैं और मिड ब्रेन इज़ अ फुल एक ब्रिज की तरह है बिटवीन द फोर ब्रेन एंड हाई ब्रेन के दरमियान ब्रिज के तौर पे काम करता है इसी तरह हमारे पास हाइंड ब्रेन है हाइंड ब्रेन हैज़ थ्री टाइप्स पार्ट्स सिरिबलम पोंस एंड मेडोला सिरिबलम क्या करता है बैलेंस ऑफ बॉडी करता है बैलेंस ऑफ बॉडी विद द हेल्प ऑफ द मसल्स एंड बोन्स सो बैलेंस ऑफ द बॉडी इज ड्यू टू दिर्बिलम पोंस और मेडोला मुख्तिक किस्म के काम सर अंजाम देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे है रेस्पायरेट्री सिस्टम कंट्रोल करना हार्ट बीट कंट्रोल करना और मेडोला जो है ना हमेशा इन वॉलन्ट्री एक्शंस इन वॉलन्ट्री एक्शंस कंट्रोल करता है इन वॉलन्ट्री एक्शन हम पढ़ेंगे डिटेल से इन वोलेंट्री एक्शन वो है जो हमारे बस में ना हो फॉर एग्ज़ाम्पल हार्ट बीट हमारे बस में नहीं है हमारे ऑन में नहीं है इट इज़ इनट्री एक्शन रेस्पायरेशन ब्रीथ सांस लेना इस सिस्टम का काम भी इनवॉल्ट्री एक्शन है ये सारे कौन परफॉर्म करता है मेडोला ऑफ्लेग सो इट वॉज द एंड ऑफ दिस टॉपिक इट वॉज बाय लेक्चरर आब्दुल बशीर केडिट कॉलेज बशीन and i am lecturer in chemistry while we can teach biology side chemistry side and physics side in lower classes like in 8 and 7 because we have done B bsc in biology zoology so it is nothing for us okay love is